ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकृदामयं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं नंगुं पंगुलं गायते गिरिं। यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय कृष्ण बंधु, जय डिवोटीज। जुड़े आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ, एक ऐसे विषय के साथ आए हैं जो बहुत जरूरी है हम सबको जानना। हालांकि ये आप सबकी कृपा है कि बिकॉज ऑफ यू ऑल मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ प्रिपरेशन कर सका, कुछ समझ सका, कुछ पढ़ सका। एंड द होल क्लास, द होल सेशन जो है वो केवल और केवल मेरे लिए है। इट इज जस्ट दैट आई एम जस्ट रिवाइजिंग हाउ अ डिवोटी शुड बी। सो इट इज द होल क्लास इज फॉर मी। एंड आप सबकी कृपा है कि आप सब यहाँ एक श्रोता बन के आए हैं जो मुझे मुझ जैसे पतित को ये बता रहे हैं कि वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वैष्णव एटिकेट्स। सो थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप सब आए हैं। सो यू शुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक बिकॉज वैष्णव एटिकेट क्या है, क्यों है, किस तरह है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। And as I said, whole class will be for my own purity. It is not at all, आप सब तो शुद्ध परम वैष्णव है। मैं कनिष्ठ कोशिश कर रहा हूँ towards going towards वैष्णव। There are four categories of वैष्णव: वैष्णव प्राय, वैष्णव, वैष्णव तर एंड वैष्णव तम। आई एम बिलो द इवन द फर्स्ट कैटेगरी, सो आई एम ट्राइंग टू बी वैष्णव प्राय। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब इस उपस्थिति बड़ी सुंदर संख्या में है। और आज हम काफी कुछ चीजें नई जानने वाले हैं, या हम जो चीजें जो भूल गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लेट अस स्टार्ट टुडेज़ सेशन ऑफ वैष्णव एटिकेट्स। ओके, सो जो चीजें पसंद है वो लिख सकते हैं, बाकी इफ वी वांट द स्लाइड्स ऑल द स्लाइड शो कैन आल्सो बी शेयर्ड, पीपीटी कैन आल्सो बी शेयर्ड। ओके, इज द पीपीटी विजिबल नाउ? थैंक यू सो मच। वैष्णव एटिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वैष्णव लाइफ, एक डिवोटी की लाइफ में वैष्णव एटिकेट क्या है, क्यों है, किस तरह से है, क्यों ऐसे करना चाहिए हमें, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। तो पहला जो हम पॉइंट पर चर्चा करते हैं इसमें, द पॉइंट कम्स की फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें क्यों जरूरी है। कृष्ण कौन है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुष भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान। शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर भगवान की भगवत्ता के बारे में काफी कुछ कहा गया है, पर हम एक चीज से शुरू करते हैं। एते चाम्स कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चाम्स कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओनली कृष्ण इज भगवान, बाकी सब उनके सेवक है। गोपी भक्त कमले और दास दास अनुदास, दिस इज वन थिंग जो हम सबको क्लियर है। सो देखा जाए तो वैष्णव मीन्स जो विष्णु की उपासना करते हैं या विष्णु के सेवक हैं, विष्णु से वैष्णव। पर जो विष्णु है, विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है? कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और विष्णु क्या है? विष्णु इज एन एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड।
सो वैसे कृष्ण और विष्णु में ज्यादा अंतर नहीं है, बट कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए हम वैष्णव कहलाते हैं, हम कोशिश करते हैं वैष्णव बनने की। सो वन इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड अदर इज एन एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड विच इज एज गुड एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डिवोटीज एंड नॉट डिवोटीज, द डिफरेंस बिटवीन इज दैट कि जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनका जो जीवन है, उनका जीवन सेंटर्ड किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड कृष्ण। एंड नॉन डिवोटीज की लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स, खाने पीने से लेके अपने पहनावे को लेके, देख दिखाव को लेके, मेरे अहम को लेके, एवरीथिंग। बट भक्तों का जो जीवन है वो भगवान के इर्द गिर्द रहता है। कृष्णा इज ऑलवेज इन द सेंटर। इनफैक्ट श्री राधा महाराज बताते हैं, द कपल यानी एक गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी उनके जोड़े के बीच में यदि भगवान सेंटर है तो तू तू मैं होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर। और एक और मेन इसमें डिफरेंस ये है कि हम सबको ये तो पता होगा, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब आपने कुछ किया उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा किया तो पुण्य मिलेगा, खराब किया तो पाप मिलेगा। दिस इज देयर। बट डिवोटीज के जीवन में वो नहीं होता, क्योंकि डिवोटीज के जीवन में क्या है, भगवान क्या बताते हैं, जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान के लिए, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, सभी तरह के जो कर्म हैं एवरीथिंग नष्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। भगवान भगवद गीता में 18.6 में क्या बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अच्छा, तो पाप का निवारण आप कर रहे हैं भगवान, पुण्य का क्या? क्योंकि पुण्य से भी तो यहाँ पर रिजल्ट मिलते हैं हमको, राइट? ओनली पाप का क्षय हो गया अगर तो हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे। डू वी वॉन्ट टू गो टू स्वर्ग लोक? हम हेवेन जाना चाहते हैं? नहीं। पर अगर ये बता देते भगवान कि सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो पुण्योभ्यो, नहीं नहीं भगवान, फिर नहीं आना, नहीं आना। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं बहुत सुंदर एक बात कि जो इज द स्क्रीन विजिबल, ओके थैंक यू। कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजम, भगवान की भक्ति करने से जितने भी कर्म हैं। अच्छा, दहन का मतलब क्या होता है? होली का दहन सुना है आपने? जब होली जलाई जाती है ना, जब दहन मतलब जब लपटे उठती है, आग निकल रही है, उसका दहन हो रहा है। दहती मतलब उसको, उसका दहन हो चुका है, बाय द रूट्स इट इज कट। तो भगवान के भक्त जब भक्ति करते हैं ना, तो उनके रूट्स से, चाहे वो कुछ भी हो, कूट, बीज, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, सभी तरह के कर्म कर जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, दहति इज द वर्ड, नॉट दहन, हो रहा है नहीं, हो जाता है। दैट इज यू नो डिवोटी। दहन मतलब बर्न, दहति मतलब कंप्लीटली बर्न। दिस इज द डिफरेंस। एंड डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ अगेन, मटेरियल लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड मी, मैं, मेरा, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरे घर वाले, मेरी गाड़ी, मेरा खाना, मैं, ममत्व। पर स्पिरिचुअल लाइफ इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा एंड वैष्णवास। दैट इज द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस जानने के बाद हमें समझना चाहिए कि हम फिर इसीलिए डील किससे कर रहे हैं, जब हम ऐसे बड़े महान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, स्वयं भगवान कृष्ण से डील कर रहे हैं और उनके भक्तों से डील कर रहे हैं, तो हमको इस डीलिंग में सतर्क होना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया में जो रोग है, स्पेशली भवरोग, भवरोग मतलब क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये कोई नहीं देखता है। क्या देखता है? मेरा शरीर, उसका निवारण क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। पर वो कब होगा? जब हम जाके, हम सब जाके लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र देंगे, तब तो वो लेंगे, तभी तो भवरोग से दूर जा पाएंगे। बट द सेकेंड मोस्ट डिजीज इज दैट अनलिमिटेड डिजायर्स आर देयर व्हिच रूइन आवर कॉन्शियसनेस। श्री भक्ति ठाकुर बड़े सुंदर एक पोएम में लिखते हैं, एक इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, द शाइनिंग वाटर डिस्चार्म देयर आईज एंड ड्रॉ देयर हार्ट्स एम्ब्रेस,
The slaves of wine can never rise from what we call disgrace. Shining bottles मतलब जो शराब की बोतलें हैं, जो they are shining, उनको देखिए कभी आप अलग से उनको shine होता है उसमें, और उनको हृदय हमेशा उनको पास, अरे आ जाओ मुझे पी लो मुझे पी लो. Slaves of wine can never rise. ऐसे लोगों को क्या मालूम कि eternity क्या है, भक्ति क्या है, पर हमें तो जाके करना चाहिए. सिम्टम्स ऑफ कलयुग क्या है? कलह, यहाँ क्वारल है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है. कली, कली का मतलब क्या? एंगर एंड एनवी, गुस्सा आता रहेगा, ईर्ष्या होती रहेगी. पर भक्त क्या है? निर्मत सराणाम, निर्मत सराणाम मतलब भक्त इज विदाउट एनवी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अ डिवोट इज ऑलवेज विदाउट एनवी. नाउ अब हम पढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर की, आज के टॉपिक की तरफ, वैष्णव सदाचार. तो वैष्णव सदाचार की जरूरत क्या है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट? जप करो, प्रसाद खाओ, मंदिर में आओ, कीर्तन में नाचो, थोड़ा लेक्चर सुन लो, चले जाओ. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, राइट? एनीवन वांट्स टू आंसर दैट, व्हाट इज द पॉइंट कि हम जप कर रहे हैं प्रभु जी, प्रसाद खा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके लेक्चर वेक्चर में आ जाते हैं, तो why do we, हमें इसकी जरूरत क्या है? ये जो आप वैष्णव मेडिटेशन की क्लास ले रहे हो, what is the point of having this class? हमको समझ नहीं आ रहा है. ऑल दो हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैष्णव मेडिटेशन सीखना इसलिए है, वैष्णव सदाचार इसलिए सीखना जरूरी है, ताकि हम अपराध से बच सकें, ताकि हम अपराध से बच सके. एंड प्रचार के लिए भी जरूरी है, एंड समाज और फैमिली वालों के लिए भी, कि हम इस तरह से, जैसे 2.54 भगवद गीता में एक फेमस श्लोक है, 2.54 उसमें अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि किस तरह से एक जो समाधि में लीन व्यक्ति है वो किस तरह से उठता है, बैठता है, चलता है, हाउ डज ही बिहेव, वेरी ब्यूटिफुल स्लो. तो वहां पे फिर भगवान समझाते उसको, स्थित प्रज्ञ से आभाषा, समाधिस्थ से केशवा, दैट इज अ श्लोक, वेरी ब्यूटिफुल श्लोक. तो वही वहां पे अर्जुन पूछना शुरू कर रहे हैं भगवान से कि इस एक जो भक्त है उसके किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का वर्तन है उसका, उसके बारे में चर्चा करते हैं. सो अब विल डीप डाइव इन टू द टॉपिक. अगेन इज इट विजिबल, वैष्णव सदाचार, दो टॉपिक है इसमें. आचार जो हमारी माँ हमारे लिए बनाती है, आम का आचार, नींबू का आचार, इट इज नॉट दैट आचार, इट इज आचरण. हम जो आचरण करते हैं उसको आचार कहा जाता है, आचार संहिता सुना होगा हमने. एंड सेकेंड इज ऑफकोर्स प्रचार. तो बेसिकली वैष्णव सदाचार को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आचार और एक है प्रचार. तो इन दोनों भागों को हम इंडिविजुअल लेके चलेंगे, देखते हैं आज कितना कवर होता है, एंड विल टेक क्वेश्चन आंसर्स इन द एंड. कैन यू हेल्प अस ऑन दिस वंस अगेन? ओके, आचार. तिलक एक वैष्णव का बहुत बड़ा जो एक आभूषण है. एक स्त्री का क्या गहना, एक शादीशुदा स्त्री का गहना क्या है? मांग में सिंदूर, राइट, उसके जो बिंदी है वो मंगलसूत्र, ये उसके आभूषण है. इसी तरह से see if it can be erased, इसी तरह से भक्तों का जो एक आभूषण है वो है तिलक. एक बहुत बड़ा हमारे एक जीवन में ये होना चाहिए कि हमें तिलक हमेशा धारण करना चाहिए. इसलिए कहा जाता है कि तिलक को तिलक पहनते हैं, नॉट दैट कि तिलक लगाते हैं. इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी डिवोटी यहाँ खेल कर रहे हैं, दे शुड स्टॉप बिकॉज़ इट इज वैष्णव एटिकेट, वी शुड नो हाउ टू बिहेव फर्स्ट ऑफ ऑल. सो तिलक एक निम्बार्क संप्रदाय के एक बड़े आचार्य हुए, हरिराय जी. हरिराय जी एक बार डेजर्ट में जा रहे थे कहीं पे, he was walking and वहां पे एक जगह दूसरे के जा रहे थे और उनका तिलक खत्म हो गया. I was very much tense, तिलक खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं कैसे करूंगा तिलक के बिना, मैंने हाउ वुड आई डू इट। देन ही केप्ट वॉकिंग एंड उन्हें एक ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर तिलक है। उन्होंने खड्डा खोदा तो वहां पर गोपी चंदन का इतना बड़ा उनको इतना बड़ा वो मिला, गोपी चंदन का पूरा एक नुब्दा मिला। ऑफकोर्स कृष्णा इंस्पायर्ड, उसको तिलक की इतनी आसक्ति थी। तिलक इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैष्णव ट्रेडिशन। ये तिलक शरीर का आभूषण है, तिलक जो है ये भी दर्शाता है कि हम भगवान के दास हैं। सो चैंटिंग विदाउट तिलक गिव्स 50% लेस रिजल्ट्स। मैंने पुराण में बताया कि यदि आप तिलक लगाए बिना जप करते हैं तो आपको 50% लेस रिजल्ट मिलता है। हम सब जानते हैं हम कितना अच्छा, कितना टूप पे कितना अच्छे से जप करते हैं, वी ऑल नो। उसके बाद यदि हम तिलक लगाए बिना जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 50% रिजल्ट कम मिल रहा है हमें। सो इट इज तिलक लगा के जप करना कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि तिलक लगाए बिना यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है, मतलब उसका बॉडी जो शरीर वो चलता फिरता शमशान घाट है। चैतन्य महाप्रभु वाज सो स्ट्रिक्ट अबाउट तिलक, तिलक लगाना इतना इम्पोर्टेंट है। एंड ही वुड नेवर स्पेयर, ही वुड से कि शमशान घाट आ गया हूं लगता है मैं। एंड देन अ डिवोटी वुड गो बैक, तिलक लगाएंगे आएंगे तब चैतन्य महाप्रभु विल बी हैप्पी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये विजयी सिंबल है। विजय किसके किसके सामने विजय दिलाना है हमें? माया देवी के सामने। कि हम तिलक जैसे आप देखे हैं जब रणभूमि में क्षत्रिय जाते थे तो बाकायदा पूजा की जाती थी, उनका तिलक लगाया जाता था, यू नो विजय भव। तो ये विजय तिलक है, ये विजय सिंबल है अगेंस्ट माया, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी फोर्स के सामने जंग छेड़ दी है, लड़ाई छेड़ दी है, तो उसके सामने हमें तैयारी तो चाहिए ना, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तिलक लगा के देन यू गो आउट इन द बैटल। एवरी डे इज अ बैटल, एवरी डे। सो तिलक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट विजय सिंबल। हरि मंदिरम, तिलक इज लाइक रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो बेसिकली हम ऑफर करते हैं कृष्ण को, तिलक के साथ इट इज एज गुड एज हरि मंदिर। 50% स्पिरिचुअल वर्क इज डन, ये फर्स्ट पॉइंट का उल्टा है। जब भी तिलक लगाइए कुछ भी हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली 50% उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम तिलक लगा के शुरुआत किए हैं। राइट डियर डिवोटीज, बिकॉज हमने तिलक लगा के किसी काम की शुरुआत की है स्पिरिचुअल वर्क की, 50% रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। और वहीं यदि हम तिलक लगाए बिना कुछ आध्यात्मिक चीज करते हैं रिजल्ट 50% कम हो जाते हैं। सो डेप्थ, सो सिंपल येट सो मच ऑफ डेप्थ। यमदूता कांट टच यू, यदि आपने गोपी चंदन लगाया हुआ है यमदूत कभी आपको टच नहीं कर सकते। इनफैक्ट यदि आपका तिलक थोड़ा सा फेयर भी हो गया है, थोड़ा कम भी दिख रहा है किसी यू नो पसीने वसीने की वजह से, तो भी अगर उसका लाइट छाप भी दिख रहा है कुछ भी, तो भी दे कैन सी ऑफकोर्स एंड दे कैन नॉट इवन टच यू। यमदूता इविल फोर्सेस कैन नॉट डू एनीथिंग। Tantrics, black magicians, they even cannot do anything. अगर आप किसी bonafide गुरु के शेल्टर में हैं, अगर आप वैष्णव के एटिकेट्स फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ हम चर्चा करेंगे, तिलक वगैरह सब चीज़ होगी। और यदि आप एक पावरफुल मंत्र का जप करते हैं, विजय हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको evil forces cannot even touch you. बाकी की बातें तो और बात है। हमारा तिलक क्या है? इस ऊर्ध्व कुंडरक, ऊर्ध्व मतलब ऊपर एंड कुंडरक मतलब ये जो ऊर्ध्व कुंडरक जा रहा है, नीचे तुलसी है, बीच में जगह खाली की, क्योंकि विष्णु के चरण है। लेफ्ट साइड इज ब्रह्मा, राइट साइड इज शिवा। एंड बिकॉज कृष्ण को हम जब कुछ भी ऑफर करते हैं तो इट इज नॉट ऑफर्ड विदाउट तुलसी। हम हमारे शरीर को भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो विदाउट तुलसी कैसे ऑफर करेंगे। एक बार वेदांत देशिका नाम के फेमस सिंगर हुए हैं एंड इज अ वेरी फेमस इन आवर हिस्ट्री एज़ वेल। उन्हें एक राजा ने बोला कि वेदांत देशिका आप इतना सुंदर गाते हो, आओ। उनको बुलावा भेजा गया कि आओ मेरे लिए मेरे कोर्ट में आके गाओ। वेदांत देशिका ने कहा मैं कुत्तों के लिए नहीं गाता हूँ,
एंड दैट ही वाज अ किंग, आई मीन जिन्होंने भेजा था वो एक बड़े राजा थे, वो चाहते तो उनको मरवा सकते थे, बट ही न्यू, द किंग न्यू कि वेदांत ऋषि का जो है ही इज अ परफेक्ट वैष्णव, आचार से भी और प्रचार से भी, इसलिए कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए हमें जो डिवोटीज, हमें हमारे जो ये वैष्णव ड्रेस है, वैष्णव चीजें हैं, स्पेशली स्टार्टिंग विद द तिलक, एंड इसीलिए कहा जाता है ना कि जो तिलक है ना, तिलक की महिमा वैसे तो अपार है, पर तिलक को हम लगाते नहीं हैं, तिलक हम पहनते हैं, वी वेयर तिलक, लाइक माता इस मंगलसूत्र पहनती हैं, राइट, वो सिंदूर लगाती हैं, पर लगाते नहीं, हम तिलक पहनते हैं, वी वेयर तिलक, ये वैष्णव का एक आभूषण है, और यदि कोई भी आपको दूर से देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये कुछ है, और आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजों में वो नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ करेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब तिलक कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो इफ यू सी हियर, गोपी चंद्र का तिलक 12 जगह लगाया जाता है शरीर में, एंड माँ से भी शुरू करके ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो, ओम गोविंदाय नमो, ओम विष्णवे नमो, मधुसूदनाय नमो, ओम त्रिविक्रमाय नमो, ओम वामनाय नमो, ओम श्रीधराय नमो, ओम श्री ऋषिकेशाय नमो, ओम पद्मनाभाय नमो, ओम दामोदराय नमो, फिर जो बच जाता है उसको शिखा पे पहुंच के ओम वासुदेवाय नमः, बोथ माता जी प्रभु जी शुड अप्लाई 12 तिलक्स एटलीस्ट। कुछ भी नहीं हो सकता डिवोटीज, कुछ ना कुछ चीजें वगैरह है, तो एटलीस्ट जो मेन तिलक है हमारा वो तो लगाना ही चाहिए, उसमें तो कोई कुछ हमें यू शुड नॉट इवन थिंक ट्वाइस, ओम केशवाय नमः, बिकॉज वी आर, हम भगवान को बुला रहे हैं, कृष्णा इज प्रोटेक्शन, जब बेबी कृष्णा हमारे लिटिल कृष्णा को जब अलग अलग राक्षसियाँ या राक्षस जब उन्हें उठा के ले जाते थे, उन्हें परेशान करते थे वगैरह, और जब माता यशोदा को वापस मिलते थे ना वो, तब गोबर से और गौमूत्र से अलग अलग जो ये मंत्र हैं उनकी आप भागवत में पढ़ सकते हैं, इन सभी मंत्रों के द्वारा कृष्ण को वापस मंत्रोच्चारण करके उन्हें शुद्ध किया जाता था। ऑफ कोर्स माता जो है वो तो माता है, उन्हें क्या पता, तो भगवान कृष्ण स्वयं है, बट फिर भी इसलिए ये अगर हम करेंगे सब चीजें हमारे शरीर पे, सो ऑटोमेटिकली वी विल ऑल्सो बिकम मोर प्योर, इट इज इम्पोर्टेंट। आई होप द स्क्रीन वॉज विजिबल, अभी नहीं, इट वॉज विजिबल ना। एंड तिलक का एक और चीज है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम प्रभु जी नॉन डिवोटी फैमिली से हैं, नहीं लगा देते वगैरह, सो देर आर वेरियस ऑप्शंस, एक तो आप 12 अंगों में लगाओगे माथे के सिवाय तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ दिखेगा, नहीं यदि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मेरे गले पे या नाभि में या पीठ पे, तो वैसे भी इट्स नॉट विजिबल टू एनीवन, वहां तो लगा सकते हैं, एंड माथे पे लगाना है अगर, सो या तो यू कैन डाइल्यूट द गोपी चंदन कि वो हल्का सा दिखे, और या तो एटलीस्ट पानी का तिलक, हालांकि इट इज जस्ट एक बचने का तरीका है, पर यमदूत को पानी का तिलक भी दिखता है, यमदूत कैन इवन सी पानी का तिलक, ठीक है, तो यमदूत कैन ऑल्सो सी वाटर तिलक, इसलिए वो आपको तब भी टच नहीं करे, तो एटलीस्ट घर पे अगर इश्यूज हैं हो सके तो धीरे धीरे करके तिलक लगाना शुरू कीजिए, तो उनको बता सकते हैं कि ये विजयी सिंबल है, ये तिलक से ये होता है, तिलक से वो होता है, ये है, और वो ज्यादा जरा ये बोलेंगे कि बेटा बेटी बाहर मत जाए, ठीक है बाहर हम लाइट तिलक लगा के जा सकते हैं, बट तिलक लगाना चाहिए, तिलक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर भक्ति। सो द नेक्स्ट पॉइंट देन वी हैव आफ्टर गोपीचंदन इज कंठी, जो दीक्षित भक्त हैं जिनका दीक्षा हो चुका है वो 3 राउंड की कंठी पहनते हैं, और जो नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज है वो मिनिमम 2 राउंड की कंठी पहनते हैं। उसका रीजन ये है, अभी तक आप सोल और सुपर सोल जो 2 राउंड पहने हैं, दे आर कनेक्टेड विद द सोल टू सुपर सोल, पर सोल को सुपर सोल से कनेक्ट कौन करता है, गुरु। जब आप दीक्षा लेते हैं तब तो आप 3 राउंड की कंठी पहनते हैं, देन आपका जो ये और जो अभिधेय ये 3 हमारे हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, वो सब भी फुलफिल हो जाता है, पर मोर इम्पोर्टेंटली जीव और भगवान के बीच में जो जीव जो बाकी थी, जो गुरु गुरु के जीवन में आने के बाद, देन इट इज कंप्लीट। इसलिए दीक्षित भक्त 3 राउंड की कंठी पहनते हैं,
एंड जो दीक्षा लेने वाले हैं या जिन्होंने अपना अभ्यास शुरू किया है, जो सब चीजें फॉलो कर रहे हैं, 4 प्रिंसिपल्स एंड दे चैंटिंग एटलीस्ट सम राउंड्स, दे कैन वेयर, उनको कंठी माला पहनना चाहिए। तो जिनके घरों में अभी प्यार लहसन का इश्यू चल रहा है, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द ज्यादा जल्द जितना हो सके उतना जल्दी हम ये सब चीजें छोड़ सके, ताकि हम भगवान से भक्ति जीवन में आ सके। सो एक व्यक्ति ने जब कंठी की इतनी महिमा सुनी, तो उसने कंठी पहन ली। हालांकि वो नॉनवेज भी खाते थे, विचार भी करते थे, सब कुछ जो भी खाते सब करते थे, बट धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ चीजें धारण करने से ना ऑटोमेटिक प्योरिटी आती है। फिर भी उनमें नहीं हो रहा था, तो एक दिन जब उनकी मृत्यु आई, तो तुलसी पौधे के पास और तुलसी पहने हुए, कंठी पहने हुए मृत्यु हुई उनकी, तो यमदूत उन्हें टच नहीं कर पाए। ऑफकोर्स ही वेंट टू कृष्णास कोर्ट, वहां विष्णु के कोर्ट में जाके उनका सब जो हुआ हुआ, बट कंठी की इतनी महानता है, तुलसी महारानी से ही कंठी बन गई, तुलसी की महानता हम सब जानते ही। सो इसीलिए कंठी पहनना बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए, ये हमारा आभूषण है। अब एक चीज, अब क्योंकि हम वैष्णव एटिकेट की क्लास भी कर रहे हैं और हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, श्री वृंदावन धाम में एक संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय। ओके, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिसाइपल थे, हित हरिवंश राय जी, हित हरिवंश जी। सो वो दे डू नॉट फॉलो एकादशी एंड दे डू नॉट वेयर कंठी माला, दे आर ऑफ शूट, वो ऑफ शूट हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन्हें अपनाना ही बंद कर दिया, ही रिजेक्टेड देम। और गोपाल जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इट इज नॉट एट ऑल अ संप्रदाय विच इज फॉलोइंग प्रॉपर एटिकेट्स। जो वैष्णव के तीन मेन गुण देख सकते हैं आप, एक तिलक, एक कंठी और एक एकादशी पालन। कोई भी वैष्णव ये तीन चीजें कभी मिस नहीं करेगा, कंठी, तिलक एंड एकादशी। एकादशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राधा वल्लभ संप्रदाय दोनों में से कुछ भी नहीं करते, ना तो कंठी पहनते हैं और ना ही एकादशी पालन करते हैं। सो इसीलिए वी शुड बी वेरी मच केयरफुल, हम कब किस जगह किन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए सीनियर्स और द मेंटर्स और द वैष्णव एटिकेट्स आर इम्पॉर्टेंट, कब कैसे क्या कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे बोनाफाइड संप्रदाय, हम किसी भी, हम कभी भी टीवी पे देखते हैं आस्था में संस्कार में क्या 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 भागवत कथा हो रही है, 500,000 लोग रोए जा रहे हैं, बट क्या वो भक्त ने, क्या वो व्यक्ति ने, माता ने तिलक लगाया है, कंठी धारण की है, क्या वो किसी बोनाफाइड संप्रदाय से है, नहीं है? तो ये उसी दूध के समान है, जो दिखता तो दूध जैसा है पर सर्प ने उसे टच कर लिया है। इट इज इम्पॉर्टेंट। सो एक और कथा आती है कंठी और तिलक की महात्म्य के लिए। एक बार श्री भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर है ना, उनपे एक तांत्रिक ने, बंगाल में एक तांत्रिक ने उनपे एक जादू करने के लिए, उनकी जान लेने के लिए, टू किल हिम, इंडिया तांत्रिक विद्या। तो भक्ति विनोद ठाकुर इज सो स्ट्रांग कि वो यज्ञ के एंड में उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जो एनर्जीज थे भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ कर नहीं सके। और जब भी नेगेटिव एनर्जीज कभी जाती है ना, जब वो अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो उसी व्यक्ति को आके मार देती है। सो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि हरिनाम जो है और वैष्णव का संगत जो है, वो सभी चीजों को हमें पार करा के लेके जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेस। हम वैष्णव जन ड्रेस क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता, माताएं साड़ी पहनती हैं, ठीक है। आज भी आप चले जाइए हमारे गाँव में, हमारे नॉट सो कॉल्ड डेवलप्ड सिटीज में, स्पेशली साउथ इंडियाज में, तो अब जैसे मेरी माता भी है, माता जी या मेरी जो मदर इन लॉ, वो भी दे आर स्टिल वेयर साड़ीज, तो उनको लगता है, अच्छा लगता है साड़ियाँ पहनना, क्योंकि साड़ी जो है वो एक एक सभ्यता का प्रतीक है, इट इज कल्चर। इट इज ऑल्सो सेड साड़ी से नारी, एक नारी जो है वो साड़ी से बनती, साड़ी से पहचानी जाती है। आजकल की फिल्मों में या सीरियल में दिखाने जाने वाली कॉन्ट्रोवर्शियल साड़ियां नहीं, जो साड़ी के नाम पर सिर्फ अंग प्रदर्शन है, नॉट लाइक दैट। हर ग्रेस राधा कुंड माता जी वंस सेड
श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्टर अस कि आपका जो ब्लाउज है वो यहाँ तक होना चाहिए, साड़ी सर पे दुपट्टा होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी विजिबल। सेम विद धोती एंड कुर्ता, नॉट दैट कि हम धोती कुर्ता किसी फैशन के लिए पहन रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से पहन रहे हैं, इट इज वैष्णव ड्रेस। आप देखिए पूतना, पूतना जब वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कब? शी ड्रेस्ड एज अ वैष्णव। ओके, पूतना जब वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए आई थी तो वो वैष्णव ड्रेस पहन के आई थी, और वैष्णव ड्रेस पहन के आई थी इसीलिए कृष्ण ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें माता का दर्जा दिया, एंड ऑफकोर्स वृंदावन वासी ने उन्हें आने दिया बिकॉज दे वर थिंकिंग कि नहीं ये तो भक्ति लग रही है। तो ड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो धोती कुर्ता और साड़ी, ये ड्रेस ऑफ डेमी गॉड्स है, जो देवी देवता है ना वो यही कपड़े पहनते हैं। वो हमारी तरह जीन्स और टी शर्ट एंड शॉर्ट टॉप्स और स्कर्ट्स और ओपन शर्ट्स और जो लड़के टी शर्ट वो सब, ये सब नहीं पहनते हैं। दिस आर नॉट, दिस इज मिलेच्छ ड्रेस, नॉट ये कोई भगवान की ड्रेसेस नहीं है या भगवत धाम की। आपने कभी, आई शुड नॉट से दिस, बट ठाकुर जी को कभी देखा है किसी ऐसे अवतार में? ठाकुर जी इज ऑलवेज इन धोती एंड उत्तरी, श्रीमती राधा इज ऑलवेज इन साड़ी और इन गोपी ड्रेस जनरली, आप देखिए, बिकॉज वो वहां की ड्रेस है। इनफैक्ट आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, आप देखिए, आप कभी मंदिर जाइए, मंदिर ही जाइए धोती कुर्ता पहन के और कभी पैंट शर्ट पहन के, यार कॉन्शियसनेस इज होल डिफरेंट, चेतना पूरी चेंज हो जाती है। आप धोती कुर्ता पहन के जाएंगे ना तो कोई आपको कभी किसी को ठगने की भी इच्छा नहीं होगी कि अरे मैं एक वैष्णव ड्रेस में हूं, मैं कैसे कुछ चीज़ गलत कर सकता हूँ, आई डोंट वॉन्ट, मैं ये गलत नहीं करना चाह रही हूँ, बिकॉज हमारे कॉन्शियसनेस पूरी प्योर हो जाती है। आपको पता है ऋग्वेद में एक सारी सूक्त है, जैसे पुरुष सूक्त है, इट इज ग्लोरिफाइंग सुप्रीम गॉड, वैसे एक सारी सूक्त है विच इज कंपोज ऑफ मैनी श्लोकास, जिसमें सारी का ग्लोरिफिकेशन है, साड़ी पहनने का ग्लोरिफिकेशन है। इमेजिन कर सकते हैं आप इस चीज को। सो ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा इट इज पॉजिटिव थॉट्स जो आता है मन में, बिकॉज आप धोती कुर्ता पहन के ना यू विल नॉट एंटर अ लिकर शॉप अनलेस एंड अंटिल आप प्रचार करने जा रहे हैं। यू विल नॉट वॉन्ट टू इवन ईट एट द रोड साइड। अगर आप कल को, अगर मैं मंदिर से निकला धोती कुर्ता पहन के, मुझे बड़ी इच्छा होगी कि मैं रोड वाले जो नाले के पास जो पानी पूरी लगाते हैं, जो पानी में हार्पिक मिला के पिलाते हैं, जो दो तीन दिन के हाथ में नहीं धोते और आलू सड़े होते, मैं उनके यहाँ पानी पूरी खाऊं, तो भी आई विल नॉट गो। मैंने कहा अरे लोग क्या सोचेंगे कि ये तो इस कौन से आया है, धोती कुर्ता पहने हुआ, तिलक विलक है, ये कहाँ है। नीदर आई विल गो इन टू अ फाइव स्टार होटल, शायद वो होटल वाला जो वॉचमैन होगा वो ही नहीं आने देगा, अरे कहाँ से आ गए यहाँ मांगने के लिए, ये मांगने की चीज नहीं है भाई, यहाँ बड़े बड़े लोग खाना खाने आते। You know, when once I was traveling, I was flying probably from Calcutta to Ahmedabad, Calcutta to Bombay, mujhe yaad nahi. So I was discussing this with Ratnavali ki jab main mera consciousness yahan pe hota hai, when I'm being driven in a car, tab main aur upar jata hu because you know koi mujhe drive kar raha hai. Jab I'm in a luxurious apart luxurious train in a very good, to mera all consciousness upar chala jata hai. और जब आई एम फ्लाइंग आई थिंक आई एम फ्लाइंग, यू नो ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस ऊपर जाने का है, नॉट राइट कि हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, बाबा कुछ नहीं हो। फ्लाइट जब डगमगाएगी ना तो सारे भगवान, सारी मात्राएं, सारी माया सब याद आ जाते हैं। सो वी शुड बी वेरी मच हम्बल, हमें यू नो एज श्रील प्रभुपाद सेड, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एंड इज वेरी मच, और यही पॉजिटिव थॉट्स हमारी ड्रेसेस हमें देती हैं। ओके, नित्य कर्म, नित्य कर्म हमारे क्या है, हम उनकी चर्चा करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई जरूरत नहीं नोट डाउन करने की, द पीपल इज विल बी शेयर, डोंट वरी अबाउट दैट। हम चार चीजें नित्य कर्म करते हैं जो हर कोई करता है, सुबह जागना, रात को सोना, स्नान करना। ओ प्रभु जी, हर कोई नहीं करता, ये सही नहीं कह रहे हैं आप इस चीज को, हम बहुत लोगों को जानते हैं जो नहीं करते हैं, बट यस जनरली
इंडिया में करते हैं, एंड प्रसाद, ये चार चीज हम सब कोई करता है। एनीवन जो इसमें से कोई चीज नहीं करता हो, कोई भक्त है हैंड रेस करें। जो नहीं ब्रो जी, हम स्नान तो डेली, ऐसा कोई रिचुअल नहीं है हमारा। या हम तो उल्लू हैं, हम तो बैट है, पूरी रात जगा लो, पूरा दिन जगा लो, ऐसा कुछ है। बट हम ये चारों चीजें नियमित रूप से करते हैं, नियमित रूप से हम वी फॉलो दीज फोर थिंग्स। ओके, अब इसका भी पॉइंट ये है कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, किस तरह से करते हैं ये जरूरी है। करते तो ये राक्षस भी होंगे, जंगली लोग भी होंगे, कोई नॉनवेज खाने वाला भी होगा, कोई अमीर आदमी, कोई गरीब, सब लोग ये काम करते हैं। बट हाउ डज अ डिवोटी डू इट, हाउ डज अ वैष्णव डू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वी गो टू आवर वेकिंग अप। सुबह उठते कैसे हम? सुबह उठे कौन? 6 बजे उठना था, सॉरी 4 बजे उठना था ब्रह्म मुहूर्त में, ये कृष्ण बंधु वाले जप कर रहे होंगे और मैं उठी नहीं, मैं उठा नहीं। उठो, भागो, फटाफट मुंह धो, नहाओ, आओ जप करने बैठो, 5 मिनट तो दिख जाऊं मैं। सो उठने का भी एक प्रक्रिया है। वेंकटेश सुप्रभातम, किस किस ने सुना है वेंकटेश सुप्रभातम? ऑफकोर्स श्री दर्शन, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ जी भैया, साउथ इंडियन ज्यादा सुने होंगे। सो यू कैन पुट द हैंड्स डाउन। आई वुड हैव लव्ड इफ श्री दर्शन माता जी कुड सिंग इट, बट इन द फेम ऑफ टाइम आई वुड लेट इट गो। सो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गर्द ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हम खुद उठे हैं, उठने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारे बेड पे ही हैं, हम हमारे बेड पे ही हैं। हम उठने के बाद भगवान को हम उनको उठा रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गर्द ध्वज, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे भगवान, हे गोविंद, जो गरुड़ के गरुड़, जिनके जो रथ है वो गरुड़ ध्वज से मार्ग है, आप उठिए, कमलकांत उठिए और त्रिलोक में मंगल मंगल कीजिए, ये कृष्ण के लिए है। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड साउथ इंडियन टोन, बट आई विल नॉट बी डूइंग अ गुड फेवर दिस। माता हस्तमस्ता जगतम मधुकैट भारे, वक्षो विहारिणी मनोहरा दिव्य मूर्ते, श्री स्वामिनी श्रीता जनप्रिय दानशीले, श्री वेंकटेशा दायिते तव सुप्रभातम। दिस इज फॉर श्रीमती राधा रानी, बट इट सेज श्री लक्ष्मी। ऑफ कोर्स वेंकटेश इज नारायण, इसलिए हम लक्ष्मी नारायण की बात है, बट फॉर अस, हमारे लिए पहला श्लोक जो था वो है फॉर कृष्ण, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ कमलकांत वाला, और ये जो है दिस इज फॉर श्रीमती राधा रानी। हे राधा रानी, आप महाविष्णु, आप कृष्ण के हृदय में रहने वाली हैं, आप पूरे संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण के हृदय को कैप्चर करती हैं, कृपा करके आप हम सभी आपके और बेटर हाफ ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा हम सभी पे कृपा करें। आई ऑफर दिस मॉर्निंग प्रणाम्स टू यू। हम इस तरह से हमारे जो मॉर्निंग प्रणाम्स है वो देते हैं, एंड देन उसके बाद वी रिमेम्बर होल परंपरा। वंदे हम श्री गुरु श्रीपद कमलम, श्री गुरु वैष्णवांश्च, श्री रूपम सागर जातम सगण गगनार्दितम, तम स्मजीवम साद्वैतम सावधूतम परिगण सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितम, श्री विशाखांश्च। यस ऑफ कोर्स, इसका मीनिंग है वो कैन रीड दैट हियर। सो हम जो भक्त हैं, इस तरह से हम उठते हैं, इस तरह से हमें उठना चाहिए। एंड ऑफकोर्स हर एक चीज के पीछे हरे कृष्ण महामंत्र हम कर सकते हैं, वी शुड रिमेम्बर द लॉर्ड। ऐसे नहीं उठे, चादर हटाए, ये भागे, फटाफट ब्रश किया, स्नान किया, जरा आके बैठे, आ गए ब्रो, आ गए, 5:30 खत्म हुआ था, 5:25 को आ गए, प्रेजेंट। जैसे हुए जंगल में और शहरों में रहने के नियम अलग हैं, अभक्तों में और भक्तों में रहने के नियम अलग हैं। नो, किस तरह से हम जागते हैं उसका भी एक प्रॉपर एक चीज है। इनफैक्ट अच्छा नहीं, हम इस जागने वाले प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तब उसके बारे में और चर्चा करेंगे। देन जाग गए, उठ गए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कर मध्य वाला हम कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं पुटिंग द फीट डाउन। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शनम। हे धरती माता, हे देवी, आप जिनके पास
आपके वस्त्र के रूप में समुद्र है, आपके पर्वत आपके पयोधर है। हे भगवान विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार, कृपया मेरे चरणों द्वारा आपको होने वाले स्पर्श क्षमा करें। पृथ्वी पर जो आपका पवित्र शरीर है, ये हम इस तरह करते हैं। नाउ सी डिवोटीज, इट इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर द श्लोकास, ठीक है, कर सके तो अच्छी बात है, हमें श्लोकों का मीनिंग पता होना चाहिए। हम जब उठे कल सुबह, वी शुड रिमेम्बर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गो उत्तिष्ठ, हे भगवान अब आप उठ, मैं कृपा करके उठिए और इस त्रिलोक को मंगलमय करिए, इस तरह से हम कर सकते। हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण की यू नो बेटर हाफ नहीं, कृष्ण की परम शक्ति, इस तरह से हम उनको कर सकते। माता से कि हे धरती माता, आप विष्णु की पत्नी हैं तो आपके चरण रखने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। एंड ऑफकोर्स सिंह हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज इम्पोर्टेंट। उठना जो है उठना जो है उठना इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। उठने के बाद हम क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या करते हैं। सबसे पहले तो उठना क्या चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आइडियली सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, श्री प्रभुपाद के कैलकुलेशन में चले तो 4:30 बजे से हमारा मंगल आरती शुरू होता है, तो वी शुड बी अवेक बाय 4 AM, 4:15 बजे हमें उठना चाहिए ताकि हम मंगला आरती अटेंड कर सके। मंगला आरती का मतलब क्या है, मंगला आरती का मतलब है कि आपके जीवन में सब मंगलमय हो, एवरीथिंग इज मंगल, अमंगल हानि मंगल है। नाउ इन रामचरितमानस इट इज सेड कि मंगल भवन मंगल हारि, तो मंगल करते हैं अमंगल को हरते हैं, इसीलिए उसे मंगला आरती कहा जाता है। ध्रुव जी हम उठते हैं तब तक तो श्रृंगार आरती का समय हो जाता है, तो नहीं उठना चाहिए। यदि हम मंगल आरती के समय नहीं उठेंगे, आपको पता है सूर्योदय के बाद उठने का क्या नुकसान है, एक सूर्य आपकी शक्ति खींचते हैं, सेकंड और थर्ड ब्राह्मण और गोहत्या का पाप लगता है, ब्राह्मण और गोहत्या का पाप लगता है सूर्योदय के बाद उठने से। तो समझ लीजिए भैया हम क्या क्या कर रहे हैं जीवन में, कितना गलत कर रहे हैं। पहले के जमाने में या डिवोटी नॉन डिवोटी में एक और क्या फर्क है, डिवोटी उठे सॉरी नॉन डिवोटी उठे चाय ले आओ प्रिंसिपल ले आओ, अरे ब्रश तो कर लो, अरे ब्रश शेर कभी शेर को देखा कभी ब्रश, शेर कभी देखा ब्रश करते हुए, शेर देखा नहाते हुए, ले आओ ले आओ यहीं पे ले आओ जी खाना वाना सब न्यूज न्यूज पर। दिस इज शेर जंगल में रहता है तो आप भी जंगल में रह लो, दिस इज नॉट वैष्णवेटिक। वैष्णवास विल गेट अप, थैंक कृष्णा, थैंक श्रीमती राधा रानी, थैंक द होल परंपरा, एंड देन दे वुड डू देयर नित्य कर्म। इनफैक्ट जब सिकंदर सिकंदर जो है ना, हाँ सिकंदर जब भारत में आए थे या ही वांटेड टू कम टू इंडिया एंड यू नो जीतना चाहते थे, तो उन्होंने पूछा कि हाउ वुड आई अंडरस्टैंड कि भारत में पहुंच गया हूं। तो एक व्यक्ति ने तीन चीजें बताई, पहला तो ये कि ऑफकोर्स सिंधु नदी वहां बहती है तो आपको समझ में आएगा, एक ऐसा देश जिसमें सबके सब सूर्योदय से पहले उठते हो और हर एक व्यक्ति हर दिन नहाता हो, जब ऐसे देश में पहुंच जाओगे ना मतलब समझ लेना कि आप भारत पहुंच चुके हो। इमेजिन दिस इज आवर ट्रेडिशन, एक ऐसा देश जहां पे हर कोई सूर्योदय के पहले उठता है और हर दिन नहाता है। इमेजिन ये बताना पड़ता है आज हर दिन नहाता है, वो जगह भारत है, ये सिकंदर को बताया गया था। एंड इमेजिन कीजिए हमारा दिन ही यदि पाप से शुरू हो, गोहत्या ब्राह्मण हत्या से, और यू नो हमारा एनर्जी पूरा ले ली गई हो सूर्य के द्वारा, तो क्या तो चैंटिंग में मन लगेगा, फिर तो पाप और अपराध ही होंगे ना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, अरे क्या भेजा आज, इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं, फिर वो सोलह माला राउंड एंड राउंड होता रहता है पर राउंड कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए वेकिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी वेक अप, उठना तो जरूरी है ही पर हम कैसे उठते हैं वो भी जरूरी है। अगर कुछ भी याद ना रहे ना, उठिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, ठाकुर जी को नमन कीजिए, एंड 4:30 बजे एवरी डे कृष्ण बंधु पे हम मंगला आरती करते हैं, वो ज्वाइन कीजिए, अपना दिन मंगलमय कीजिए। इतना सिंपल है, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है,
कोरोना की कृपा है ऑनेस्टली, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है हमको, पर फिर भी हमें नहीं चाहिए। और फेमस कहावत तो है ही, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सो वी शुड ऑल ट्राई टू स्लीप। आपको पता है 10 बजे के बाद मैं वो हार्मोन का नाम भूल गया, एक मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का नाम का एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है रात को 10 बजे के बाद, जो हमें सोने में हेल्प करता है। मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ। वो 10 बजे के बाद हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, हमारे बॉडी में हमारी बॉडी सिक्रेट करती है ताकि हमें नींद आए। यदि आप नहीं सोए 10:30 तक, 10, 10:30, 11 तक एक टाइम, तो वो हमारे बॉडी में फिर शरीर में व्याधि करना शुरू करता है, क्योंकि जो उसका काम है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉडी में डिजीजेस चालू होते हैं। इसलिए कि जो व्यक्ति रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे रेगुलर सोते हैं ना, उनके कभी ना कभी आगे जाके उनके बॉडी में इश्यूज आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते हैं। सो इसीलिए ये बॉडी को उस तरह से बनाया गया है। देखिए प्रकृति को देखिए, शाम हुई नहीं, 6:30, 7 बजे अंधेरा हुआ, सारे पशु पक्षी वगैरह अपने घोंसलों में आ जाते हैं, सारी चिपचिपाहट चरचरा चिड़ना सब बंद हो जाती है, ठीक है, सब कुछ अपने अपने जगहों में जाके दे रेस्ट। एंड देन प्रकृति जब सुबह उठती है, सुबह 4:30 सब चिड़ियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, सब उनको लेके जाना, तो सब शुरू हो जाता है। ये प्रकृति बनी है इस तरह से, पर हम प्रकृति के खिलाफ जाना चाहते हैं। इनफैक्ट दो भगवान है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भगवान कौन है जो दिखते हैं, वो कौन है, सूर्य नारायण, नॉट सूर्यदेव, सूर्यदेव जो है वो सूर्य नारायण की एक्सपेंशन है। और कृष्ण अप्रत्यक्ष, तो कृष्ण को हम ऑफकोर्स डीटी रूप में देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी कृष्ण ना डायरेक्टली, सो इसलिए कृष्ण इज अप्रत्यक्ष। बट सूर्य नारायण जो है प्रत्यक्ष भगवान है, क्योंकि वो सूर्य नारायण जो सूर्यदेव है वो सूर्य नारायण की एक्सपेंशन है। इसलिए जब हम उनके आने के पहले उठ के उनको वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, तो कितना खुश होंगे वो। इसीलिए सूर्योदय के पहले उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि भगवान उठ गए 4:30 बजे, और शिव भगवान आप उठ गए क्या, मैं अभी अब आप उठ ही गए हो तो मैं सो जाऊँ आपकी थोड़ी देर, आप उठ ही गए हो, आपका हो गया मंगला वंगला, हो गया भोग लग गया सब हो गया, तो मैं आई स्लीप फॉर अ वाइल। जब भगवान उठ चुके हैं तो एक सेवक का, एक भक्त का कार्य है कि भगवान की पहले उठा जाए। यदि गुरु महाराज जब अहमदाबाद आए थे, 6 बजे उनकी ट्रेन आ रही थी, तो हम क्या 6:15 को गए थे लेने के लिए एमएस की माता जी, या हम सॉरी आपको साथ ही में आए थे, या हम 6:30 बजे गए थे, या हम 5:45 बजे गए थे, हम तो 5:15 बजे पहुंच गए थे कि ट्रेन जल्दी आ गई तो हमने मिस कर दिया। तो सेम कृष्णा इज कमिंग एवरी डे, एज शिवदानंद प्रभु सेड, हु इज स्टॉपिंग यू टू बिकम अ प्योर वैष्णव और टू चैंट प्योर नेम, शुद्ध नाम आपको चैंट करने से कौन रोक रहा है, हम खुद हैं जो हम रोक रहे हैं, बस हम सुबह उठते नहीं। ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ओके सो नेक्स्ट इज बेदिंग। हम तो गए प्रभु जी, नल चालू किया, शावर चालू किया, नहाए घर फटाफट भाग के आ गए। नो सो एक मंत्र है, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ठीक है, क्या हम ये मंत्र बोलेंगे और सारे तीर्थों को बुलाएंगे हमें प्योरीफाई करने के लिए? नहीं, वो हम आचमन पात्र के लिए करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, तब आचमन इसी लेके करें। हम जब स्वयं नहाए तब क्या करें जी, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यम स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायांतर भाई अंतर, भाई और भीतर शुचि ही, अर्थात कोई भी मनुष्य जो पवित्र हो अपवित्र हो किसी भी स्थिति को प्राप्त क्यों ना हो, पर जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह तो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। सो वी कैन रिमेम्बर दिस वर्स वाइल जब हम स्नान करते हैं, नहीं होता तो भी हम सिंपल चर्चा कर सकते हैं कि हे भगवान पुंडरीकाक्ष कृष्ण मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ, बस स्मरण मात्र से ही हम भाई और भीतर से कैन जस्ट क्लैरिफाई आवर सेल्फ, ठीक है। बट बेदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर दिन चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, अगर वैसे बताया जाता है कि ऑफकोर्स ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बट तबीयत खराब हो
तो गर्म पानी से नहाने नहाना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहाने के बाद पहला कर्म क्या होना चाहिए? वस्त्र पहनने के बाद तिलक लगाना चाहिए, तिलक के बिना कुछ आनंद नहीं। फटाफट नहा के आइए, अपने वस्त्र पहनिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये शुरू बस। एंड देन ऑफ कोर्स तिलक, आपको पता है तिलक लगाने के बाद हमारा स्नान कंप्लीट होता है, बिकॉज स्नान इज हाफ, तिलक इज हाफ। तिलक लगाया तो हमारा स्नान कंप्लीट हो गया, अब हम जाके भगवान के नाम लेने के लिए बैठ सकते हैं। ठंडा गर्म जैसे मैंने बताया, ठंडा हो गर्म हो जैसा भी हो, वी शुड जस्ट टेक बाथ। जो भी पॉसिबल सिचुएशन है, अगर ठंड बहुत है तो गर्म पानी करके नहा लीजिए। इंपॉर्टेंट इज टू बी क्लीन रादर देन यू नो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में बंद के रहें। ठंडे पानी से नहा पाए तो बहुत अच्छा, वरना तो गर्म पानी से नहा लीजिए। मंगल आरती जनरली होती है तारों की छाव में, जब तक अरुणोदय नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत तारे दिख रहे हैं, तब मंगल आरती होती है, विच इज इन इस्कॉन नो प्राइमरी एट 4:30 AM। घर में हम उसको 5:30 बजे तक कर सकते हैं, 5:30 सुबह मॉर्निंग, ताकि हम तब तक क्या थोड़ा थोड़ा सूर्योदय होना शुरू होता है, उसके पहले मंगल आरती खत्म कर सकते हैं। घर पे आपको कुछ नहीं आता है, मंगल आरती नहीं करनी आती है, हम सिर्फ अगरबत्ती दिखा सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा सकते हैं। एटलीस्ट हमें शमशान दावानल याद करनी चाहिए, और शमशान दावानल गा लीजिए, अगरबत्ती दिखा लीजिए, दीप दिखा दीजिए, और पुष्प दिखा दीजिए, दैट इज इनफ। अगर आप फुल मंगल आरती कर सकें विद ऑल द पैराफेरेनिया, चामर एंड यू नो शंख एंड वस्त्र और मोर पंख, तो ठीक है, बट क्योंकि समय कम रहता है, हमको जब करना है, हम बाकी चीजों में ध्यान देना है, सो वी कैन ऑल्सो डू दिस, अगरबत्ती दीप और पुष्प। पर यही अगर आप 4:30 आप आ जाते हैं कृष्ण मंदिर में, सब कुछ हो जाएगा, वी कैन जस्ट डू दैट। एंड आप मन से आप अर्पण कर सकते हैं, मेंटली यू कैन ऑफर इट, कृष्णा एक्सेप्ट इट। ये रास्ता नहीं बता रहा हूँ मंगल आरती छूट नहीं करने का, ये वो रास्ता है कि अगर आप 4:30 कृष्ण बंधु पे जप करने आते हैं, या मायापुर डॉट टीवी पे, या वृंदावन डॉट टीवी पे मंगल आरती देख लेते हैं, इट इज एज गुड एज यू आर डूइंग इट। अगर सिचुएशन नहीं है तो, वो सिचुएशंस है तो करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मंगल आरती कब मिस कर सकते हैं हम, व्हेन डज अ डिवोटी कैन मिस मंगल आरती, श्रील प्रभुपाद सेड व्हेन वन इज डेड, जब कोई व्यक्ति मर चुका है तो मंगल आरती मिस कर सकता है। एंड श्रील प्रभुपाद के एक सवाल पूछे गए थे कि प्रभुपाद आम लोग भी सोते हैं, भक्त भी सोते हैं, उनमें क्या फर्क है, सॉरी मरते हैं, आम लोग भी मरते हैं, भक्त भी मरते हैं, साधु संत भी मरते हैं, तो क्या फर्क है? श्रील प्रभुपाद ने कहा लोग मरते हैं, संत सोते हैं, लोग मरते हैं, संत सोते हैं, जब आंख खोलते हैं तो गोलोक में पाते हैं। सो हमें उस स्तर तक पहुंचना है, स्पेशली रात को सोने के पहले तिलक लगा के सोना चाहिए, रात को मृत्यु हो गई अगर तो तिलक लगा रहेगा, सेफ है। बहुत सन्यासी वरिष्ठ भक्ति प्राय करते हैं कि दे अप्लाई तिलक बिफोर दे स्लीप, पूरे दिन में तो लगा के रखते हैं, बट और रात में तिलक लगा के फायदा क्या है? अगर आप सेपरेट रूम में सोते तो 11 11 पार्ट तो कोई देख ही नहीं पा रहा वैसे भी, और तिलक हल्का लगा के सो गए, मम्मी नींद आ रही है, मैं जाकर सो जाए, किसी को मालूम भी नहीं पड़े। तिलक तो पर तिलक लगाना चाहिए, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये हुआ। अब वन मोर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट एंड देन प्रोबेबली आई गेस वी विल स्टॉप टुडे, वी विल टेक सम क्वेश्चंस एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क। बेदिंग का हो गया ना प्रसाद, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सर्व पुण्य धनराजन कृष्ण विश्वास नव जायते शरीरा विद्या जा जनिंद्रताय कान जीव फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाते लोभ माया सुतुर मुदे ताके जेड़ा करे संसारे कृष्ण बड़ा दया मय करी वाले जीवा जाए सब सागर दिल भाए से अन्ना मृत खाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम नाको चैतन्यता जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा माधव महा महाप्रसाद की जय। एंड देन देन एक भक्त खाना खाना शुरू कर, प्रसाद पाना शुरू कर, अगेन जैसे तिलक हम पहनते हैं वैसे प्रसाद हम पाते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि हम
जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते गए कहा गया तोड़ जंगले उतर खाना शुरू कर दिए बस जंगले। नो नो नो, कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। स्पेंड टाइम विद प्रसाद, रेलिश प्रसाद, धीरे धीरे नीचे कॉल करके, ओहो आज ये सब्जी है, आज ये प्रसाद है, आज ठाकुर जी का ये भोग है, अब मुझे प्रसाद के रूप में मिला है। नो, श्रीमती राधा रानी है गिवन, यस जस्ट इमेजिन दोस थिंग, नॉट इमेजिन, कल्पना नहीं, बट ये आप सोच सकते हैं। इस प्रसाद, महाप्रसाद, कृष्ण ने ये इसको पाया है, गुरु ने भी इसे पाया है। इट गोज थ्रू द परंपरा। लेफ्ट, जो लेफ्टीज हैं उन्हें लेफ्ट हैंड को अपने थाई के नीचे रख देना चाहिए प्रसाद पाते वक्त। प्रसाद खाते वक्त लेफ्ट हैंड शुड नेवर टच योर प्रसाद। बोल पकड़ सकते हैं, कटोरी पकड़ सकते हैं, बट कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए। इट इज अ डिसऑनर ऑफ प्रसाद। श्री प्रभुपाद कई बार केला राइट हैंड में पकड़ के मुंह से छीन रहे हैं। इमेजिन दिस। पर ठीक है, हम केला राइट में पकड़, लेफ्ट से छीने और राइट से खा ले। तो लेफ्ट हैंड का यूज जितना हो सके उतना मिनिमल करें भाई। हानि प्रसाद, जैसे मैंने बताया कोई लेफ्टीज हैं वो आज से इस हाथ को अपने थाई के नीचे रखें। इमेजिन कीजिए आपका एक ही हाथ, एक ही हाथ से खाइए। जब भी राइट से करना चाहिए, आरती राइट से करनी चाहिए, प्रसाद राइट से पाना चाहिए। एवरीथिंग इज फ्रॉम राइट ओनली, क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट, राइट राइट इज ऑलवेज राइट। पर प्रसाद जो है ना, देखिए, जो मैं जब आई वॉज हियरिंग अ वेरी एडवांस वैष्णव, यू वर सेइंग दिस कि भक्त ऐसे प्रसाद खाते हैं और जंगली ऐसे प्रसाद खाते हैं। ही जस्ट हैड टू कैटेगरीज, भक्त, अभक्त नहीं, एंड जंगली। भले जंगली ना लाइक ओ वे इज माई स्पून एंड फोक, ओके टिक 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 टाक टुक टुक, बट दे ऑलवेज रेडी टू जस्ट ग्रैब इट। भक्त के प्रसाद आने के बाद दे से द प्रेयर्स, वो भगवान को धन्यवाद करते हैं, गुरुजनों को धन्यवाद करते हैं कि आज आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मुझे ये प्रसाद पाने को मिल रहा है। एंड देन वी थैंक, एंड देन कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, समझ के हमें प्रसाद पाना चाहिए, नॉट लाइक जंगली। एंड इम्पोर्टेंट ये भी है कि जनरली प्रसाद हमें नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के खाना चाहिए। देखिए ये सब वैष्णव एटिकेट्स है, हमें पता होना चाहिए। बट कभी मंदिर में है, कभी अगर हम यात्रा में गए वहां पर कोई नहीं है, बट अगर घर में है हम ईस्ट या नॉर्थ फेस कर सकते हैं, जिस बेटर कि हम इस तरह फेस करें। पर इसके लिए घर में महाभारत मत कर दीजिएगा कि ये दीवार सामने आ रही है पापा, ये दीवार को तोड़वा दो तो मैं प्रसाद ढंग से ले पाऊँ। ऐसा सब नहीं करना है। वी शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल ऑल्सो। इज जस्ट सम थिंग दैट वी शुड नो। एंड सोते वक्त इसके मीनिंग है कि हम पढ़ सकते हैं, सोते वक्त वी शुड ऑलवेज प्रे दिस वांछा कर्तव्यष्टि कृपा सिंधु भी मजा पतितानां पावनी भी वशिष्ठ भी। जब भी मैं यात्राओं में जाता हूँ, हम गए हैं, आई वॉज इन मायापुर, आई वॉज विद सीनियर वैष्णव, सीनियर ब्रह्मचारी वैष्णव, मैं उनको देखा हमेशा बिफोर स्लीपिंग वो अपने बेड को प्रणाम करते हैं। बेड को प्रणाम करके दे वुड चैंट दिस मंत्र एंड वांछा कर्तव्यष्टि कृपा सिंधु भी मजा पतितानां पावनी भी वशिष्ठ भी। एंड देन दे विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड देन दे स्लीप, अपराध नाशन मंत्र, कि जो भी मेरे से पूरे दिन में पाप हुए, अपराध हुए, कृपा करके क्षमा करें। एंड देन दे गो टू स्लीप बिफोर गोइंग टू बेड। अगेन सी दीज आर एटिकेट्स। हमें हाथ पैर धो के ब्रश करके सोने जाना चाहिए। यदि पैर नहीं धोओगे ना, अब आई विल रिमाइंड यू, भूत घुस सकते हैं, भूत जो है पैरों से घुसते हैं। ऑफ कोर्स हम तो तिलक विलक सब कुछ है, बट स्टिल ये प्राइमरी बात है कि भूत जो है वो पैरों से घुसते हैं, इसलिए हाथ पैर धो के ही। मैंने तो देखा है कि ना हमारे जो पूर्वज थे बाहर से आएंगे तब भी हाथ पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे। जो हमारे हम जब भी अभी भी गांव जाते हैं, मेरी जो दादी हैं अभी भी कहीं बाहर से आएंगी हाथ पैर धोएंगी, कुल्ला करेंगे, मुंह धोएंगी, बिकॉज दे नो दिस कि हम बाहर से आए हैं और हम घर में जा रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे वहां पर तो जो घर है इस तरह से है कि हाथ पैर धो के घर में आ सकते हैं, क्योंकि घर उस तरह से बना हुआ है। मॉडर्न जगहों पे वो पॉसिबल नहीं है, बट सीधा आप घर में आए, वॉशरूम में जाइए, हाथ पैर धोइए, खुला कीजिए, एंड देन एंटर। पैर धोने से, रात को सोने के पहले पाँव धोने से, हाथ धोने से शुद्धता आती है। स्लीप अर्ली
rise very early. It's also very important. Sleep early and rise very early. I guess prachar jo hai, wo hum kar lenge. We have taken a good subject of achar. Kis tarah se kya kya ek bhakt karna chahiye. Jaisa main bataya pehle bhi ki mantra yadi yaad na ho to bhi chalega. Hare Krishna Mahamantra consistently boliye, par jo mantra ka reason hai na, jo mantra ka bhav hai, wo hame hamesha bolna chahiye. Ki uthiye hai Kamala Kanta, uthiye Govind, subah ho gayi aur trilok ko mangalmay kijiye. Jab aap nahane jaye, Pundarikaksha Krishna ko yaad karke andar aur bahar se shuchi praapt kijiye. पर प्रसाद लेते वक्त तो सोते वक्त टीशर्ट शुड बी कंपलसरी. महाप्रसाद गोविंद तो बोलना ही चाहिए एंड वांछक अंतरों बोलना ही चाहिए. हिंदू महाराज हर दिन दिन में दो बार प्रसाद लेते हैं. एक बार हिज गेस्ट फादर मित्तल ब्रो बता रहे थे किसी प्रोग्राम से आते वक्त रात को 10:15 हो गए और महाराज ने सुबह 11 बजे का प्रसाद लिया था. उसके बाद प्रसाद नहीं लिया था. रात को 10:15 बजे अगर हमको प्रसाद मिलेगा ना, पूरे दिन के भूखे होंगे ना, कोई प्लेट बना के लाएगा उसके पहले हम शायद किचन में पहुंच जाएंगे और वहीं पे खाने खड़े खाना शुरू कर देंगे. महाराज के सामने प्लेट आई, बैठे. महाराज ने पूरा महाप्रसाद गोविंद गा के गाया. महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणे वैष्णवे पूरा. एंड देन महाराज ऑनर्ड द प्रसाद. प्रसाद कैन शुड नॉट बी टेकन बाय स्टैंडिंग. वी आर ऑनरिंग प्रसाद. प्रसाद शुड ऑलवेज बी हैव. वी शुड ऑलवेज हैव प्रसाद बाय सिटिंग. आजकल के बूफे उफे बना दिए ना, एकदम बेकार चीज है. बूफे में जाना भी पड़े किसी ने, लो प्लेट लो, कहीं जाके कोना पकड़ के बैठ जाओ, बैठ के प्रसाद पाइए. क्योंकि हम प्रसाद पा रहे हैं, इट इज ऑनरिंग प्रसाद. सो आज हमने आचार के बारे में चर्चा की, विच वॉज द स्टार्टिंग. बट जो प्रचार है, जो हमारा व्यवहार है, कल एक बहुत गुण चीजों से हम गुजरेंगे. हाउ अ डिवोटी शुड बी. ये तो हमारा फिर भी घर पे आचार हुआ ना, घर पे किस तरह रहना चाहिए हमें. Up how a devotee should behave in Vaishnav Samaj, in Vaishnav culture, in Vaishnav Samaj, Sambandh, temple. So kal ka session aaj se zyada important hai, but aaj bhumika thi, bhumika humne bana di hai. Shukriya karenge kal 8 baje wapas aaj hi ke samay pe aayi hai. And as I said, inme se sab kuch mujhe sabse pehle karne ki zarurat hai, aap sabse zyada. So thank you so much for coming and connecting me and giving me this opportunity to learn Vaishnava etiquettes myself. Okay, any questions, doubts, suggestions, comments? You can take few. And questions is aaj ke class se related ho to hi. Baki nahi ho to hum mentor se ya off the class pooch sakte hain. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhu ji, awaaz aa rahi hai? Ji, Mataji. प्रभु जी, मेरे दो तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे. सबसे पहले तो ये था कि वैसे मतलब मैं कभी कभार जैसे नहीं नहा पाती हूँ सुबह तो, और तिलक अभी है नहीं मेरे पास, तो जैसे हम अगर तिलक हो भी तो हम बिना नहाए तिलक लगा सकते हैं. आइडियली नहाने के बाद तिलक लगाना चाहिए माता जी, और नहाना तो चाहिए ही, नहाना तो हमारा कल्चर है देखिए. क्योंकि नहाएंगे तो सुबह सुबह ही नहा पाती हूँ मैं, अगर सुबह सुबह ठंड लगती है तो गर्म पानी से नहा लीजिए ना. एक बार श्रील प्रभुपाद जब कुंभ मेले में थे तो उनके डिसाइपल सुबह सुबह नहाने में आना कानी कर रहे थे. श्रील प्रभुपाद को मालूम पड़ा, श्रील प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं थी. श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह 4 बजे गए, हैंडपम्प, आप कभी हैंडपम्प में नहाए, एकदम ठंडा पानी था, जनवरी की बात है. श्रील प्रभुपाद हैंडपम्प के ठंडे पानी से नहाए एंड ही शोड हिज डिवोटी, ही डिड नॉट से एनीथिंग, ही वेंट टुक बाथ अपने क्वार्टर में, अपने जो वहां पे मेकशिफ्ट आश्रम दबा गए, तैयार होकर जप करने बैठे. एवरी डिवोटी वेंट उसके बाद और ठंडे पानी से नहाता है. तो नहाइए, कोशिश कीजिए. नहीं तो अगर आप स्वच्छ हैं, अगर आपने किसी रीजन से नहीं नहा सकते हैं, स्थूल पास नहीं किया है, तो हाथ मुंह पैर धो के तिलक लगा के जप करने बैठ सकते हैं. प्रभु जी, और प्रभु जी से मेरा था कि हम लोग गोपी चंदन तिलक की क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो गोपियों का चंदन है. गोपियों ने एक ऐसी भी, जब हमारे द्वारका में एक तालाब है, गोपी तालाब, जहां से ये चंदन निकलता है. ट्रेडिशनल इट इज गोपियों का जो बॉडी से निकला हुआ जो कांति है ना, ये वो है. सो हम
हम गोपी भक्त कम जो दास दासानु दास हम गोपियों के दासा दास 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 हैं, इसलिए तो हम गोपी चंदन लगा देता कि हमें वो भाव आ सके कि हम दास हैं। जी प्रभु जी। और प्रभु जी लास्ट की ये था, जैसे आपने कहा कि तिलक लगा के जैसे हम दूध वगैरह टच नहीं करते हैं वो सब, तो जो लास्ट सेशन हुआ था श्राद्ध के पीछे, तो उसमें जो That था was also for devotees and non-devotees as well, ताकि वो इस चीज को आगे लेके जा सके, बट नहीं टच करते हैं। अनेक पुराणों में अनेक जगहों पे प्रमाण है, I can give you all this. So आप तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, भगवान का नाम जप कीजिए, no evil force can touch you. जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। So I was hearing a session जहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लैक मैजिशियन वो बता रहे थे, I just heard a little bit क्योंकि मेरा क्या सुनना था, बट भगवान के दया से मैं राइट जगह पे मैं आया। वहां पर ये सेट, अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है आपके आसपास, या आपने रास्ते पे कुछ चीज पड़ी देख लिया, वूडू वूडू देख लिया, दो चीज कीजिए। एक, आप गुरु के शरण में चले जाइए, और एक ऐसा कोई पावरफुल मंत्र जप कीजिए। और हम दोनों कर रहे हैं वो सब चीजें, हम गुरु के शरण में भी, और हम इससे ज्यादा महामंत्र से बड़ा कौन सा मंत्र है। वी आर डूइंग बोथ ऑफ देम। यस शिमला माता जी, क्या बताएं? प्रभु जी जनक प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि हम तिलक करते हैं तो हमारा तुलसी का पत्ता ऐसे कहते हैं, तो मैंने ऐसे एक लेक्चर में सुना था कि सेम संप्रदाय में बांस का पत्ता मतलब तिलक में आता है, तो वो कैसे होता है प्रभु जी? क्या बताइए, क्या बांस को? हाँ, जैसे हम तिलक करते हैं तो हमारा जो तुलसी का पत्ता हम ऐसे धारण करते हैं, सेम इसी शेप में हम तिलक करते हैं, तो वैसे ही सेम संप्रदाय में ऐसे बताते हैं, सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे बताया है कि उनका बांस का होता है, पर फिर वो कैसे मतलब बांस का बांस बांस का पत्ता? मैंने नहीं सुना, हो सकता है, बट हम गौड़ीय वैष्णव हैं। आप सारे गौड़ीय वैष्णव को देखिए, चाहे वो इस्कॉन है, चाहे गौड़ीय परंपरा से है, चाहे वो गौड़ीय मठ से, वो सब ऐसा ही तिलक लगाते हैं। या एक माता जी है चित्र लेखा करके यूट्यूब पे, मतलब उनके बहुत कथा जन, और तो वो बता, उनके लेक्चर में मैंने सुना था कि वो भी सेम ही संप्रदाय से हैं, लेकिन उनका बांस का पत्ता है, तो इसीलिए इसीलिए वी शुड नो हम किसको सुन रहे हैं, हमारे मेंटर्स को और हमारे टीचर उसको पूछें कि हम किनको सुने किनको ना सुने। यस कृष्णा सिमी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करते प्रसाद के टाइम, तो मेरा वो डाउट था कि वो मतलब क्यों यूज नहीं करते, क्या रीजन उसके पीछे है? अपवित्र माना जाता है ये, तो जी लेफ्ट है। दान भी आप राइट से करते हैं, आप सब चीजें आप पुण्य का, आप देखिए यज्ञ में जब आओगे तब भी राइट से डालते हैं, बिकॉज राइट इज मोर पायस, राइट इज मोर पवित्र देन द लेफ्ट, इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है। प्रभु जी जैसे फिर मतलब कि जैसे उसको टच भी नहीं करते प्रसाद को, फिर मतलब कि लेफ्ट हैंड से? जैसे मैंने बताया कि कटोरी पकड़ के खानी है, तो कटोरी तो लेफ्ट में ही पकड़ेंगे ना जी, वैसे इट इज फाइन, बट हमें ऐसा नहीं कि राइट से खा रहे हैं और लेफ्ट में अगर एक पकौड़ा बना तो पकौड़ा उठा के लेफ्ट से डाल लें, दैट दीज आर नॉट एटिकेट्स। लोग करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, ऐसे मैंने कहना है जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडु। तो क्या आपने बोला ना कि मंगला में अगरबत्ती दिखा सकते, तो क्या ऐसा कर सकते हैं या फिर हमें धूप दिखाना चाहिए? धूप अगरबत्ती दोनों अलग है गुरुजी, हर इस्कॉन टेम्पल में तो अगरबत्ती है ही, धूप भी अच्छी है अगरबत्ती भी अच्छी है, धूप है तो इट इज बेटर। समृद्धि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी पीपल मतलब बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि है ना लॉर्ड शिवा को तुलसी नहीं ऑफर की जाती जी, क्यों प्रभु जी ऐसे? क्योंकि तुलसी सिर्फ विष्णु या कृष्ण को, मतलब विष्णु अवतार जो है विष्णु है, और जो कृष्ण के अवतार है कृष्ण राम वरा नरसिम्ह ये सब जो उन्हीं को ऑफर कर सकते हैं, तुलसी उन्हीं के ऑफर के लिए बनी है। हम शिवा को बेलपत्र ऑफर करते हैं क्योंकि तो बेलपत्र उनके लिए, इसलिए। ओके, यू कैन हियर द सेशन अगेन।
कुछ डाउट्स हो हम स्पेशल एक Q&A क्लास रख सकते हैं उन सब चीजों के लिए. बट एज आई सेड अगेन, थैंक यू सो मच. ये सब जो आदतें हैं हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, हमें हमारे जन्म को सार्थक करना है. हम नॉन डिवोटीज और डिवोटीज, भक्त और अभक्त, भक्त और जंगल जंगली लोगों में फर्क है. हम एक चीज सभ्यता से करते हैं, तो सभ्यता से करना, सभ्यता से ही करने से हम सभ्य बनते हैं. जब एटिकेट्स फॉलो करेंगे तो हम वैष्णव बनेंगे. तो हमें इन सब चीजों को फॉलो करते जाना चाहिए एंड तब धीरे 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 वी विल ऑल्सो बिकम प्योर. एंड ऑफकोर्स कल का जो लेक्चर जब आएगा उससे हमें काफी चीजें समझ में आएंगी. How a Vaishnava behaves and all. Okay, last question, Priyanka Mataji. हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, प्याज से खाते हैं तुलसी माला को कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए? क्या मतलब प्याज? जो प्याज से खाते हैं तुलसी माला पहनने चाहिए कि नहीं? देखिए माता जी, बात यह है कि ये क्वेश्चन में बहुत बार जवाब दे चुका हूँ कि भक्तों को कोशिश ये करना चाहिए कि प्याज रसन छोड़ दें और तुलसी माला पहन लेनी चाहिए. कभी कभी ऐसा ऑप्शन है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं पर तुलसी माला तो भी पहन लेनी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे उसके प्रभाव से प्याज रसन छूट जाएगा. बट यस, यू शुड नॉट एंजॉय ईटिंग प्याज रसन. ये जरूरी बात है कि कोई बात तुलसी भी पहनी है, प्याज रसन भी खा रहे हैं, दोनों मजा आ रहा है. नो, यू शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग कि मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है. एंड देन तुलसी माला पहनेंगे, तुलसी माला आपको हेल्प करेगी उसे छोड़ने के लिए. थैंक यू सो मच डिवोटीज. आई विल ऑल्सो चैंट वांछा कंत्रो टुडे बिफोर स्लीपिंग एंड सुबह उठ के देखते हैं मुझे भी याद आता है कि आता उत्तिष्ट उत्तिष्ट गोविंद. बट यस, आप सब तो महान वैष्णव तो कृपा करके याद रखिए. एंड कम टुमारो अगेन एट 8 PM. औरों को भी बताइए, ये बहुत जरूरी है सभ्यता से किस तरह बिहेव करना चाहिए एंड हाउ वैष्णव बिहेव एंड डिफिकल्ट टाइम्स जो हम कल चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, उपस्थित सभी गौर भक्त वृंद की जय, निधाय गौर प्रेमानंद हरि बोल. वंशा कंत प्रभु कृपा सिंधु पतिता नाम वैष्णवी.